नमस्कार, मैं चांदनी परिहार जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले जन समय न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ले चलते हैं आपको आज के मुख्य समाचार। नवरात्र की हुई घट स्थापना, सांचौर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा, 5 बाइक बरामद। जालौर एबीवीपी का नगर अभ्यास वर्ग संपन्न, किसानों ने पंचसूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। कीटनाशक दवाई से भीमपुरा में युवक की मौत, सांचौर विधायक ने कहा विद्यालय उन्नति को लेकर सभी रहे तत्पर। रामसीन युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित, धानसा में छेड़छाड़ करने वाला रोमियो पहुंचा जेल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सांचौर में निशुल्क कंप्यूटर कोर्स का उद्घाटन, श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन की बैठक आयोजित। सायला में एसएमसी सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। उम्मेदाबाद में मेघवाल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष नियुक्त। सांचौर में हुई गौ माता के नाम भजन संध्या, विजय टीम के लौटने पर भव्य स्वागत। समाचार विस्तार से। नवरात्र की हुई घट स्थापना। रामसीन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसीन के निकटवर्ती सिली मुड़तरा के प्रांगण में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं। यहां के महाराज कन्हैया लाल ने बताया कि ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक और चमत्कारी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां शीतला माता का मंदिर स्वयं पहाड़ चीर के बना है, इसीलिए इस गांव को शीतला माता के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहां 40 सालों से शीतला माता युवा मंडल द्वारा अलग अलग वेशभूषा में नवरात्र मनाई जाती है। मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार श्री आशापुरी माताजी मंदिर में नवरात्र घट स्थापना के साथ ही पूजा और महाआरती आचार्य भीमाशंकर, ओम सिंह चंपावत, सूर सिंह राठौर द्वारा की जा रही है। कोमता से नरपत सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार सुभद्र माता नवयुवक गरबा मंडल कोमता में नवरात्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा मंदिर आकर्षक रोशनी से सजके तैयार है। गरबा महोत्सव एकम से विजयदशमी तक जारी रहेगा, जिसमें आज की प्रस्तुति मपाराम प्रजापत द्वारा दी जाएगी। सायला से पूरा राम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार सायला में नवरात्र महोत्सव को लेकर घट स्थापना के नवरात्र का भी आगाज हो चुका है। इसी तरह थलवाड़ कस्बे में श्री निमेश्वरी माताजी मंदिर सेवा संस्थान की ओर से भव्य नवरात्र गरबों का आरंभ घट स्थापना के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माताजी के दर्शन कर मन्नत मांगी, वहीं माताजी का विशेष श्रृंगार भी किया गया। आज शाम गरबा का भव्य आयोजन होगा, जिसमें डीसा के सुप्रसिद्ध कलाकार कुलदीप एंड सांवरिया म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गुजराती गरबों की धूम होगी। श्री सोनाना खेतला जी की भजन संध्या आज से प्रारंभ होगी। ऐतिहासिक धाम सारंगवास में 9 दिवसीय भजन संध्या श्री सोनाना खेतला जी भक्त परिवार बेंगलोर के तत्वाधान में आज से शुरू होगी, जो कि श्री सोनाला खेतला जी के भक्त शिरोमणि रमेश कुमार जी लक्ष्मी चंद जी भंडारी की शुभ निश्रा में होगी। संपत राम भाटी ने बताया कि आज राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक मगाराम प्रजापत एंड पार्टी अपनी प्रस्तुति देंगे और 22 सितंबर को भजन कलाकार मरुधरा सम्राट रमेश माली अपनी भजनों की रमझट बिखेरेंगे। सांचौर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को धर दबोचा, 5 बाइक बरामद। सांचौर पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें गिरोह के एक सदस्य को धर दबोच 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस और वृत्ताधिकारी सांचौर फाउलाल के पर्यवेक्षण में सांचौर थानाधिकारी सुखराम के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य संसाधनों के माध्यम से चोरी के स्थानों को चिन्हित कर चोरों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से मुख्य सरगना फमाराम पुत्र वेलाराम भाट निवासी कीलवा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अभियान के दौरान पहले तो मुख्य सरगना मफाराम व उनका साथी कृष्ण गवारिया खेतों में घनी फसल और पानी के कारण भागने में सफल रहे। उसके बाद उनके कब्जे में छोड़ी हुई बाइक अपराध में लिप्त होने की आशंका के कारण और आरोपी मफाराम के झाव क्षेत्र में होने की सूचना पर
अमराराम एसआई ने महज जाप्ता जाकर दबिश देकर आरोपियों सहित उनसे 5 बाइक बरामद की गई। पूछताछ के दौरान मफाराम के नशे की लत होने से वो चोरी को अंजाम देता था। चोर और आसपास के क्षेत्र में जो संदिग्ध लोग थे उन पर है वो सादा वस्त्रों में लगातार निगरानी रखी गई और निगरानी के दौरान मफाराम भाट निवासी कीलवा की गतिविधियां। जालौर एबीवीपी का नगर अभ्यास वर्ग संपन्न। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जालौर का नगर अभ्यास वर्ग पाठशाला शहर के एक निजी कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ, जिसमें अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र में पाली विभाग संयोजक नम्रता देवड़ा, प्रदेश सहमंत्री मुकेश राजपुरोहित, शक्ति माथुर, विक्रम सिंह ने कार्यक्रम का आगाज कर देवड़ा ने परिषद के इतिहास विकास पर सत्र लिया। कार्यक्रम में नगर इकाई की घोषणा भी की गई, जिसमें 67 छात्र सहित 3 प्राध्यापक कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया गया। किसानों ने पंचसूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। बागोड़ा से रीडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष हरजी राम बगोटी के नेतृत्व में 5 सूत्री मांग पत्र उपखंड अधिकारी रेणु सैनी के नाम तहसीलदार सुमेर सिंह राजपुरोहित को सौंपकर समाधान की मांग की, जिसमें रासायनिक व कास्टिक खाद को बंद करना, बाढ़ के कटाव से नुकसान का मुआवजा, माफी योजना से किसानों को जोड़ने, जवाई बांध के पानी में जालौर जिले का हक तय करने एवं सरकारी निर्देशों की पालना करते हुए पुराने रास्तों का रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण करने की मांग की गई। कीटनाशक दवाई से भीमपुरा में युवक की मौत। मोदरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित से मिली जानकारी के अनुसार भीमपुरा गांव में बुधवार की रात 19 साल के सुरेश कुमार पुत्र गेपाराम हीरागर ने अपने खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करके शाम को घर आने के बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने पर उसके परिजन तुरंत उसे भिनमाल चिकित्सालय ले गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो जाने पर उसे पुनः मोदरान गांव लाकर गांव के ही आदर्श राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सांचौर विधायक ने कहा विद्यालय उन्नति को लेकर सभी रहे तत्पर। सांचौर से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमाणा का गोलिया में बुधवार को अभिभावक परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों की शैक्षणिक स्तर की जानकारी लेने के साथ ही उनके शिक्षा के स्तर में भी सुधार लाने को तत्पर रहें। उन्होंने विद्यालय के विकास और घर पर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने की बात कही। विद्यालय के प्रधानाचार्य पोपट लाल ने विद्यालय की शैक्षिक व अन्य गतिविधियों की जानकारी दी, जिस पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। इसी प्रकार निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुंजाणी नाड़ी भादरुणा में भी एसएमसी बैठक आयोजित हुई, जिसमें अध्यापक सुरेश दारा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पेश कर विद्यालय की प्रगति की जानकारी दी। इसी प्रकार उत्कृष्ट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आगार में सामुदायिक जागृति दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिस दौरान संस्था प्रधान लादूराम बिश्नोई ने विद्यार्थियों को नियमित विद्यालय आने और स्वच्छ रहने की बात कही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जनसमय न्यूज। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से गौभक्त व युवा समाज सेवी माली रामलाल सोलंकी की तरफ से समस्त देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। गुंदाव से मदन सिंह जी परिहार और शेर सिंह जी परिहार की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रतिष्ठान रियल प्रोविजन स्टोर गुंदाव, ब्राह्मणी दुग्ध डेयरी गुंदाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आइए ले चलते हैं आपको अगले समाचारों की ओर। रामसीन युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित। रामसीन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार
व नेहरू युवा केंद्र जालोर के जिला युवा समन्वयक ओपी जोशी के निर्देशानुसार देलदरी गांव के बाबा रामदेव पब्लिक स्कूल में जालोर ब्लॉक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अरविंद कुमार चौहान की उपस्थिति में हिंदी पखवाड़े के तहत निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम, जनसंख्या वृद्धि आदि विषय रखे गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किंजल पारंगी ने जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में विनोद सुथार प्रथम, मनीषा कुमारी द्वितीय एवं प्रियंका राज पुरोहित तृतीय स्थान पर रहे तथा सीनियर वर्ग में मिथुन मालवीय प्रथम, दिनेश लोहार द्वितीय एवं गणेश देवासी तृतीय स्थान पर रहे। थानसा में छेड़छाड़ करने वाला रोमियो पहुंचा जेल। मोदरान से जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती धानसा गांव में एक युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धानसा गांव में एक युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में गिरफ्तार 19 वर्षीय विष्णु उर्फ टाठिया पुत्र मानाराम बागरी को मोदरान चौकी प्रभारी विनोद पुनिया गिरफ्तार कर न्याय मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया, जहां से विष्णु को जेल भेजने का आदेश प्रदान किया गया। आपको बता दें कि ये युवक 4 दिन पहले एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर फरार हो गया था, जिसे कल गिरफ्तार किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सांचौर में निशुल्क कंप्यूटर कोर्स का उद्घाटन। सांचौर से ओम प्रकाश पवार की रिपोर्ट के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स का उद्घाटन श्री इन्फोटेक सांचौर के तत्वाधान में किया गया। सांचौर पंचायत समिति प्रधान टाबाराम मेघवाल द्वारा फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन्फोटेक के निदेशक लक्ष्मण खत्री ने निशुल्क कोर्स के सिलेबस की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने कोर्स के महत्वता के बारे में बताया। वहीं विशिष्ट अतिथि पार्षद प्रभुराम खत्री प्रतियोगिता ज्ञान सीखने की बात की। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा छात्राओं को पाठ्य सामग्री प्रदान की गई। श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन की बैठक आयोजित। भीनमाल से दौलचंद सोनी थोबाऊ की रिपोर्ट के अनुसार श्री ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन जिला जालोर की त्रैमासिक बैठक निकटवर्ती सियाणा के क्षेत्रपाल मंदिर प्रांगण में आगामी 1 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित होगी। संगठन अध्यक्ष रमेश सोनी पुनासा ने जानकारी दी कि बैठक में संगठन को 8 खंडों में विभाजित कर कार्यकारिणी विस्तार किया जाएगा एवं पिछले दिनों गुरु महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा दी जाएगी। सायला में एसएमसी सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। सायला से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती सांगाणा गांव के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमसी सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें प्रशिक्षक नेमाराम ने एसएमसी गठन कार्य एवं सदस्यों की भूमिका पर चर्चा की। बैठक में समावेशित शिक्षा, आवासीय विद्यालय में मिलने वाली सुविधा एवं बालिका शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण हुआ। कार्यक्रम में एजुकेट गर्ल्स के जिला कार्यक्रम सहायक ओम प्रकाश बिश्नोई ने वर्तमान में बालिका शिक्षा की महत्ता के बारे में जानकारी दी एवं इसमें एसएमसी सदस्यों के सहयोग की मांग की। इस दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य जय प्रकाश जांगिड़ एवं सरपंच कुंपाराम सहित विभिन्न सदस्य उपस्थित थे। उम्मेदाबाद में मेघवाल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष नियुक्त। उम्मेदाबाद से कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिश्रीमल मेघवाल द्वारा मंडल अध्यक्ष गोकुल मेघवाल को मनोनीत किया गया एवं उन्हें कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए गए। गोकुल मेघवाल सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। सांचौर में आयोजित हुई गौ माता के नाम भजन संध्या। आसुराम बेनीवाल की रिपोर्ट के अनुसार सांचौर के सिद्धेश्वर में एक शाम गौ माता के नाम भजन संध्या और गौ रक्षा जन जागृति सम्मेलन का आयोजन भगवान स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश नौरवा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। नौरवा के आगमन पर उनके स्वागत के साथ सांचौर 4 रास्ता से सिद्धेश्वर तक हिंदू हुंकार रैली का आयोजन हुआ। वहीं शाम को भजन संध्या में सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई उपस्थित रहे। भजन संध्या में जोग भारती अपने साथियों के साथ और उदय सिंह राजपुरोहित, पीयूष जांगिड़, नरसिंह राजपुरोहित, गजेंद्र सिंह आसलपुर ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन जोधपुर के चंदन सिंह राजपुरोहित ने किया।
विजय टीम के लौटने पर भव्य स्वागत। सेवड़ी से रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी जीत सुनिश्चित कर लौटी पुनासा टीम एवं टीम प्रभारी का ग्रामीणों द्वारा तिलक कर और माल्यार्पण द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापिका अंजू सोढ़ा सहित विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौसम विज्ञान की खबर में जालौर शहर का आज का तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अंत में जन समय न्यूज की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय जालौर।